हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम ये गोटा लेस का कहाँ पे उपयोग करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छा इसका हम लोग आज फूल बनाना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गोटा लेस ली है, ये थोड़ी चौड़ी वाली है। और इसके लिए ज़रूरत होगी ये धागा और छोटी सुई और इंची टेप। तो इसके साथ साथ बहुत ही अच्छा हम लोग बना सकते हैं फ्लावर और इतना आसान तरीके से। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये लेस ली है। इसको हम लोग पहले 10 इंच का टुकड़ा ले लेंगे एक, दस इंच का टुकड़ा लेके इसके साइड में आप देख सकते हैं इस इधर की साइड में भी एक धागा आता है और इस साइड में भी आता है। तो ये वाला जो धागा होता है इसको पहले हम देखेंगे, इसको पकड़ के निकालेंगे, एक साइड में खींचेंगे। इसको आप देख सकते हैं ये वाला, इस धागे को, ये वाले को पकड़ के हम लोग आधा खींच देंगे इसको ऐसे। तो जहाँ से हमने खींचा आधा ही खींचेंगे और आधा ये उसी के दूसरी साइड में है वहाँ से खींचने वाले हैं। ये देखिए, इसको खींचते वक्त आप ध्यान रखें क्योंकि ये साइड में ये जो होते हैं ना, ये अगर साथ में आ जाता है तो हमारा फ्लावर ख़राब हो जाता है। तो इस वाले को मैं यहाँ से खींच रही हूँ इतना। तब देखिए, दोनों तरफ से मैंने थोड़ा थोड़ा खींच लिया है। इनको खींचने के बाद में हम लोग यहाँ पे नोट लगा देंगे, एकदम टाइट वाली नोट लगानी है हमें। बस इसको ऐसा करके जितना हो सके उतनी टाइट हमें नोट लगानी है। दो या तीन नोट लगा सकते हैं आप, क्योंकि ये फिसल के खुल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे तीन नोट लगा रही हूँ। ये देखिए, ये जो बाकी का एक्स्ट्रा जो धागा बचा है जिसको हमने खींचा था, उस धागे को हम एक्स्ट्रा है उसको थोड़ा सा छोड़ते हुए, ज़्यादा नज़दीक से नहीं काटना है, यहाँ से काट देंगे। तो आप देखिए कितना अच्छा, अच्छे से फ्लावर बन गया। ये देखिए, और जिस ये जो साइड में ये जो दिखते हैं ना, इसको हम लोग काट देंगे। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, ये जो दो जो कॉर्नर थे ना खुले हुए, इनको इस तरीके से पकड़ेंगे और इनका मुंह को मोड़ देंगे इस तरीके से, और छोटी सुई की सहायता से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ये बाद में इसके रोए वगैरह निकलेंगे नहीं। इस तरह के फ्लावर बना के आप पोशाक ओढ़ने को डेकोरेट कर सकते हैं, और बेबी फ्रॉक वगैरह कुछ भी होता है, या फिर आप कहीं पे भी बेबी क्लिप्स होते हैं, हेयर पिंस होते हैं वहाँ पे, या हेयर बेल्ट वगैरह, इनको भी आप इससे डेकोरेट कर सकते हैं। ये गोटा पट्टी वर्क के सबसे आसान तरीका है फ्लावर मेकिंग का। इसको यहाँ सिलाई करने के बाद में यहाँ पे भी एक नोट लगा देंगे। और जो ये एक्स्ट्रा वगैरह कहीं दिख रहे हैं उसको काट के अलग कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही प्यारा फ्लावर बनाए। देखिए आप, इसमें ये बिना सिलाई के बिना कटिंग के इतना प्यारा फ्लावर बन गया है। तो मैं आपको एक फिर से दिखाती हूँ बना के। ये लेस आप कैसे भी ले सकते हैं, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर, पर जैसे आपको बड़ा फ्लावर बनाना है। तो मैंने ये चौड़ी वाली ली है, आपको छोटी वाली आती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें लेना है 10 इंच का। और भी थोड़ा बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं आप तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये ले लिया मैंने, इसमें भी वही प्रोसेस होगा। ये जो यहाँ से ये देखिए, ये होता है, ये वाला अटक जाता है हमेशा, इससे फूल ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हम ठीक से देख के इसको साइड में करके, ये जो धागा होता है ना इसको पकड़ के खींचेंगे, आधा इस साइड से और उसी के साइड में ये सामने वाले, आधा यहाँ से खींचेंगे। खींचते वक्त आपको ध्यान रखना, ये जो साइड में कटा हुआ कपड़ा है ना, ये धागा सॉरी, ये नहीं आना चाहिए हाथ में। इन दोनों को ऐसे खींच के इसको और इसको बराबर बराबर ऐसे करके मिला देंगे। ये देखिए, साइड में खिसका दिया। फिर उसके बाद में इसको क्या करें, इसका यहाँ पे हम लोग अच्छे से गांठ लगा देंगे।
ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरीके से बता रही हूँ। जो ये देखिए, तो इसको बनाने में हमें मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे और मैंने 2 फ्लावर बना लिए, और ये और भी जल्दी जल्दी हो सकता है, पर मैं आपको ये बता रही हूँ इसीलिए ये मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। अब ये जो बच्चा हिस्सा है इसको आप इस तरीके से सेट कर दें, और ये वाला हिस्सा है इसको पकड़ के वही करना है हमें, यहाँ से मोड़ के। पहले आप सारे फ्लावर एक साथ में, अगर आप ओढ़ना डेकोरेट कर रहे हैं या फिर कोई भी गरबा वगैरह की ड्रेस है, हम लोग फैंसी ड्रेस तैयार करते हैं ना, तो उसके लिए सारे फ्लावर एक साथ बनाने के बाद में आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर आप छोटी सुई से कर सकते हैं। फैंसी ड्रेस वगैरह तैयार करने में ये बहुत ही अच्छा लगता है, और इनका कलर उभर के बहुत अच्छा आता है। डार्क कलर की कोई भी ड्रेस होती है उसके ऊपर हम ये डेकोरेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक 10 रुपये की गोटा लेस से मैंने इतने सारे फ्लावर तैयार कर दिए हैं, और अभी मेरे पास इतनी गोटा और बची है। तो आप एक 10 रुपये से अपनी ओढ़नी को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, और ये बनने के बाद में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।